हमारे जो आरोग्य मित्र सफाई का कार्य कर रहे हैं तो उनको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये महामारी का शिकार ना बने और हम सब सुरक्षित रहेंगे, वरना हम कोई चपेट में आ गए तो हम सब बीमार हो गए तो फिर तेलवाड़ा की सफाई प्रभावित होगी और आगे से आगे और ज़्यादा बीमारी बढ़ सकती है। कोविड-19 महामारी में जो लोग काम कर रहे हैं जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर, आशा वर्कर, इन लोगों के लिए सरकार ने आदेश निकाला है कि इन लोगों के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन हमारे ग्राम पंचायत देलोड़ा में एक स्थानीय संस्था नागरिक विकास मंच है जो कि सफाई का काम करती है, जिसमें लगभग हमारे आरोग्य मित्र जो कि पूरे गांव की सफाई करते हैं, अब उनकी मांग है कि उनके लिए भी एक स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक आदेश निकाला जाए ताकि वो लोग भी वैक्सीन लगा सके, क्योंकि उनको एक तरफ से डर सा लग रहा है कि वो पूरे गांव की सफाई करते हैं और उन्हें वो कहीं कोविड के चक्कर में ना आ जाए और उन्हें बीमार ना होना पड़े और सारी गाँव की जो सफाई का काम करता है वो कहीं बाधित ना हो जाए। वर्तमान में अभी देलवाड़ा गाँव में काफ़ी कोविड के पेशेंट निकले हुए हैं, घर घर से हर मोहल्ले में कोविड पेशेंट, एक्टिव पेशेंट केस अभी हैं, लेकिन फिर भी वो बिना रुके और अपनी पूरी सुरक्षा के साथ उस मोहल्ले में और सफाई व्यवस्था देख रहे हैं और घर घर से कचरा संग्रहण भी कर रहे हैं। क्योंकि ये निजी संस्था में कार्यरत है इसलिए इनके वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से कोई आदेश आया नहीं है। हमारा देलवाड़ा गाँव में जो आरोग्य मित्र सफाई का कार्य कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि जो आरोग्य मित्र सफाई कार्य कर रहे हैं किसी को अगर कोरोना होता है या फिर इससे क्या है कि जितने भी आरोग्य मित्र काम कर रहे हैं उनको भी परेशानी हो सकती है और देलवाड़ा गांव में सफाई व्यवस्था भी बाधित हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पंचायत और तहसील द्वारा आदेश निकाला जाए कि जो हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी अब तक जो काम कर रहे हैं उन सबको वैक्सीन लग चुकी है और मैं भी यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जो हमारा संस्था द्वारा जो काम देलवाड़ा गाँव के अंदर चल रहा है तो जो आरोग्य मित्र जो सफाई कार्य कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। ये देलवाड़ा नागरिक विकास मंच से सफाई का कार्य करता हूँ और ये मेरा ये कहना है कि सभी को जैसे कि पंचायत में वार्ड पंच और आशा सहयोगी, डॉक्टर, पुलिस कर्मी सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं, जैसे हमारे भी सफाई कर्मियों को सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए और आने वाले क्या पता हम सफाई करते हैं जिसमें गंदगी में किस जगह कोरोना पाया जा सकता है और कोरोना ये बीमारी का रोग आ सकता है, इसलिए सभी को वैक्सीन लगाना भी जरूरी है। और जो बात अभी सामने आई है कि हमारे आरोग्य मित्र या हमारा जो सैनिटाइजेशन और इसको लेकर जो लोग काम में लगे हुए हैं उन लोगों का वैक्सीनेशन भी मस्ट है, उनको भी टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दे करके पहले करवाया जाना जरूरी है। इसके लिए मैं उपखंड प्रशासन से बात करके और उनको जरूर अवेलेबल करेंगे। जो आरोग्य मित्र काम कर रहे हैं उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए, जैसे कि वार्ड पंचों को सबको अभी लगी है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि हमारे आरोग्य मित्रों का भी जल्दी नंबर आ जाए वैक्सीन लगाने में। पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको मैंने इस बारे में बोला है कि आपकी जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो अभी एक आदेश निकाला था कि गांव के जो वार्ड पंच हैं, पंच सरपंच हैं, उनको वैक्सीनेशन की जाए, तो उसी आदेश के तहत मैं भी चाहता हूँ कि इन आरोग्य मित्रों को भी वैक्सीनेशन ग्राम पंचायत और तहसीलदार जो हमारे देलवाड़ा के जो हैं वो इस तरफ ध्यान आकर्षित करें और इन लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता दी जाए। मैं अपने स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि जो जिस तरह से देलवाड़ा गांव में सफाई कर्मी, आरोग्य मित्र सफाई का काम करते हैं उनके लिए भी प्रशासन की तरफ से एक आदेश निकाला जाए ताकि वो लोग भी आकर जो महामारी में जो लोगों को वैक्सीन लग रही वो भी वैक्सीन उनको लग सके और उन्हें जिस तरह से डर है कोविड-19 की महामारी चपेट में आने का वो डर उन्हें एक तरह से दूर हो जाएगा, उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं कोविड-19 की नई अपडेट के साथ में। मैं शंभुराज तंवर देलवाड़ा से, इंडिया अनहर्ट के लिए।